हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। गाइज जैसा मैं आपको बता दूं, आज मैं फिर से पहुंच गया हूं 8 माइल पे। तो जैसा कि आपको बता दूं कि 2-3-4 दिन से बारिश कंटिन्यू थी, तो आज मौसम कुछ खुला हुआ है। तो जैसे ही मैं निकल रहा था चंपावत के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पर सुंदर सा झरना बना हुआ है, क्योंकि पानी आज अच्छा खासा पानी है। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना रूबरू करवाया जाए आप लोगों से। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था यहाँ का, और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया उस वीडियो को। और तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप बढ़िया से देखेंगे, और मैं आज आपको पूरे रास्ते भर के जितने भी झरने वगैरह बन रहे हैं, क्योंकि बरसात हो चुकी है, ख़त्म थोड़ा मौसम खुला है, तो बने रहेगा वीडियो में। मैं आपको सुंदर झरनों से दीदार करवाऊँगा, और 8 माइल के कुछ जो आजकल बेहतरीन स्पॉट बने हुए हैं उसके बारे में भी आपको दिखाऊँगा। 8 माइल पर लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पिकनिक स्पॉट के, मतलब पिकनिक वगैरह मनाने के लिए। तो आज सुंदर झरना बना हुआ है यहाँ पर, पानी क्योंकि अधिक है, तो मुझे लगा कि आपको रूबरू करवाता हूँ इससे। तो देखेगा, आपको ले चलता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा सा झाड़ी पार करके जाना पड़ रहा है। वैसे आजकल यहाँ पर शेर वगैरह का भी खतरा काफ़ी छाया हुआ, तो मैं आपको ले चलता हूँ नीचे, और अगर जाने लायक ओरखा है तो दिखाता हूँ बढ़िया तरीके से आपको। वैसे थोड़ा रिस्की ओरखा है अभी यहाँ पर जाना। मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि आजकल शेर वेर का बहुत ही ज़्यादा 2-3 लोगों का अटैक कर दिया है शेर ने, तो संभल कर और देखते हुए जाना होगा। तो ये देखिए सुंदर भी यहाँ का बेहतरीन झरना बना हुआ है यहाँ पर, और रास्ता कुछ नहीं खतरनाक है, तो संभल के चलना पड़ेगा थोड़ा सा। लगभग लगभग 5 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी, और पानी आज काफ़ी है यहाँ पर। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सुंदर दृश्य आ गया, और ये जस्ट जो है 8 माइल नाम है इसका, और काफ़ी फेमस है, इन दिनों लोग आते हैं यहाँ पर। और पहले तो यहाँ पर एक तालाब था, आजकल पत्थर आ गए हैं। तो ये देखिए सुंदर झरना, कुछ कल बेहतर जल, और ये बेहतरीन मज़ा ही आ गया आज देखिए। तो एक्चुअली ये जो झरना बना है ना, कलवट है, कलवट के कलवट से पानी गिर रहा है, तो बढ़िया सा झरना बनता है यहाँ पे। और तो खटीमा के आसपास के लोग हैं, उनको पता है कि यहाँ पर तो लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो आप लोग कभी इस रास्ते से निकल रहे होते तो ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा और दीदार करेगा, बढ़िया फोटोग्राफी का आनंद आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस चलिए मैं ऊपर और दिखाता हूँ आपको, और भी हैं यहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट। रोड क्रॉस करते हैं, पेड़ वेड़ काफ़ी बह के आ रहे हैं यहाँ पर, और आज कुछ नज़ारा ऐसा हो रहा है। काफ़ी रिस्क लेके मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि शेर आजकल काफ़ी आदमखोर हो रहा है इस एरिया में। ये देखिए बेहतरीन दृश्य को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। आज इस वाले रूट पर ज़्यादा पानी आ रहा है, डाइवर्जन हो चुका होगा, और यहाँ से कम आ रहा पानी, और तो यहाँ अक्सर लोग
पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं और उनके लिए और मज़ेदार होने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार बारिश लेट हुई है और अच्छी खासी बारिश हो चुकी है 3-4 दिन के अंदर, और तो अब ये काफ़ी दिन तक रहेगा पानी, तो अब लोगों के लिए और बेहतरीन हो चुका है ये एरिया। और यहाँ पर पिकनिक मनाने आइएगा ज़रूर, लेकिन गंदगी वगैरह ना करिएगा तो बेहतर रहेगा। और अगर आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लाते हैं तो पर्स वगैरह वापस ज़रूर ले जाएगा, जिससे कि यहाँ का वातावरण शुद्ध बना रहे। तो गाइस चलता हूँ मैं आगे को और आगे भी आपको दिखाता हूँ, अभी छोटे छोटे झरने बन रहे होंगे पूरे हाईवे में, तो मैं उनको भी कवर करूँगा आज के वीडियो में। तो गाइस ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है अगर आप साइड पर आके देखेंगे तो, ये तो गाइस मैं अपनी स्कूटी पकड़ता हूँ और मठू मठू हिटता हूँ अब आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में और दीदार करवाऊँगा आपको आगे के जो छोटे छोटे झरने बंद हो गए हाईवे के किनारे किनारे। तीन झरना यहाँ पर भी बन रहा है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मैं आपको अभी पास जाके दिखाता हूँ हल्का सा और इसको भी कवर करते हैं, इसको भी छोड़ना। कुछ ऐसे झरने बन रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पे, तो यहाँ से टनकपुर का खूबसूरत व्यू आपको यूं दिखाई देता है, ये देखिए बेहतरीन घना जंगल और साथ में शारदा नदी का आज अपने रौद्र रूप में है, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश खूब तेज हो रही है पहाड़ों पे। तो यहाँ से हमारा मैदानी इलाका हो जाता है शुरू, ये लोग फोटोग्राफी का आनंद भी ले रहे हैं यहाँ पे। तो बढ़ते हैं आगे डेस्टिनेशन की ओर, ये देखिए पिछली बरसात में इसकी इस कदर बोल्डर गिरे हुए हैं और बहुत ही डेंजर बना हुआ है ये देखिए जॉन। और तो गाइस आपको दिखाऊंगा एक बेहतरीन झरना यहाँ पर भी बनता है, और तो हम करते हैं रोड क्रॉस और आपको दीदार करवाते हैं छोटे से झरने से, ये देखिए। तो ये मैंने एक आप टिफिन टॉप के पास में बना हुआ है ये झरना, आज थोड़ा पानी कम हो गया तो इसलिए उतना बेहतर नहीं लग पा रहा, लेकिन अच्छा खासा आता है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे भी दिखाएंगे आपको एक दो झरने और बेहतरीन बनते हैं इस हाईवे पे। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुका हूं टिफिन टॉप पे और टिफिन टॉप से नागपुर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए। और यहां से पूर्णागिरी मंदिर भी यहां से दिखाई देता है, वो देखिए सामने पे जो ये वाला टॉप दिखाई दे रहा है, तो इसमें पूर्णागिरी मंदिर है ये इस वाले पे, तो यहाँ से आप पूर्णागिरी के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, और कभी इधर को आते हैं तो आप जरूर पूर्णागिरी माता के दर्शन करिएगा। और आगे एक व्यू पॉइंट बनाया है जहाँ से पूरा टनकपुर खटीमा क्षेत्र का पूरा व्यू दिखता है आपको। ये बना हुआ है व्यू पॉइंट बेहतरीन, देखिए कितने खतरनाक खतरनाक बोल रहे हैं यहाँ पर।
आए हुए हैं, अगर गलती से कोई इसकी चपेट में आ जाए तो इतना बचना मुन्ना मुमकिन होगा। देख क्या क्या खतरनाक। तो बस ये है अमरू बैंड, और अमरू बैंड का भी फेमस बैंड है और बहुत ख़तरनाक बैंड भी है यहाँ पर, और इसके नीचे बहुत ही खैर एक खतरनाक खाई भी है। तो ये देख पा रहे हैं आज अमरू बैंड को, अक्सर आपने नाम सुना होगा अमरू बैंड, और कभी कभार पता नहीं चलता ना कि टिफिन टॉप और अमरू बैंड का। तो ये है कुछ ऐसा है अमरू बैंड। हमारे बाबा जी रहते हैं, और बाबा जी ये पहाड़ चढ़ रहे थे, अभी उतरे हैं ऊपर से नीचे, पता नहीं कितने रहते हैं। तो भाई जब मैं पहुंच चुका हूँ उस सुखी ढंग में, सुखी ढंग में अभी आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ से श्यामला ताल के लिए जाते हैं। तो यहाँ से लगभग लगभग श्यामला ताल मात्र 6 किलोमीटर है, अगर आप कभी आते हैं तो श्यामला ताल जरूर घूमिएगा। वहाँ पर आपको एक बेहतरीन एक ताल है, और ऊपर स्वामी विवेकानंद का जो विवेकानंद आश्रम है वहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ पर ये है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं श्यामला ताल के लिए, तो ज़्यादा नहीं, आपको मात्र 6 किलोमीटर है, और आप 1-1.5 घंटे में वहाँ पर घूम के आ सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे सुखीडांग का मार्केट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर आपको लगभग लगभग 5-6 दुकान हैं। तो जहाँ पर आप अमित टी स्टॉल करके चाय की दुकान है, वहाँ पर आप चाय पिएगा, बेहतरीन चाय बनाते हैं वो लोग, और काफ़ी फेमस है उनकी चाय यहाँ पे। और यहाँ आपको अचार वगैरह मुरब्बा वगैरह आपको मिलेगा, इन लोकल का बना हुआ बाँस का अचार, और नींबू वगैरह का आपको अचार मिलेगा, कटहल वगैरह। तो आप यहाँ से, तो भाई ये सुखी ढांग का मार्केट है, अब मैं पहुँच चुका हूँ सुखी ढांग का मार्केट में, और हम लोग यहाँ पर चाय पीएंगे अमित टी स्टॉल पर। तो मैं चाय हो गया रेडी, बेहतरीन। तो गाइस अभी मैं हूँ सिनियाड़ी से ऊपर, और सिनियाड़ी से ऊपर एक सुंदर प्लेस है, यहाँ से मतलब रोड के किनारे से इतना खूबसूरत व्यू चलती का आपको दिखाई देने वाला है। देखिए यहाँ से कभी रुकी यहाँ पर फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं आप इस पॉइंट पे। वैसे यहाँ पर एक व्यू पॉइंट होना चाहिए, बट व्यू पॉइंट बनाया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग जोन है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है। यहाँ पर ये देखिए, तो कुछ खूबसूरत नज़ारा ऐसा है चलती का जो पुल है, आपको पुल दिखाई दे रहा होगा सामने। ये देखिए अभी नया पुल बन रहा था, तो वो यहाँ पर पिछली बरसात में ढह गया था, तो अब यह नए सिरे से इसका कार्य प्रगति पर है। ये तो काफ़ी खूबसूरत लज्जिया नदी और चलती का एरिया, लज्जिया नदी काफ़ी खूबसूरत अवतार में अभी अपने, क्योंकि पानी आज काफ़ी है, पूरा पानी मटमैला हो रखा है। ये तो गाइस देखिए, जो ये लेबर यहाँ पर लगी हुई है इसके ट्रीटमेंट के लिए पहाड़ के, देखिए कितने रिस्की जोन में काम कर रहे हैं लोग, और ये इनमें रैक एंड बोल्ट यहाँ पर अंदर कर रहे हैं, और यहाँ पर मैस वगैरह डाल के पूरा बढ़िया तरीके से पहाड़ी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट ऊपर साइड भी ऐसे रोड है। देखिए आप ये रोड है, और इसके जस्ट बाद यहाँ पर काफ़ी डेंजर स्लाइडिंग हो रही थी, और उसके बाद जस्ट नीचे ये रोड है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी था, और इन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई है यहाँ पर इस कार्य करने में। देखिए आप, लेबर लगी हुई है अपने काम पे, तो आप देख सकते हैं पहाड़ों पे काम करना कितना टफ होता है, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और यहाँ छोटे छोटे पहाड़ है, और ये इस तरीके का है, और यहाँ का व्यू ऐसा है कुछ। तो बने रहेगा वीडियो में, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सिनियाड़ी में, और सिनियाड़ी का कुछ मार्केट ऐसा है, आजकल काफ़ी अच्छा हो गया है सिनियाड़ी का मार्केट, काफ़ी होटल और होटल तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे ढाबे यहाँ पर काफ़ी खुल चुके हैं, और यहाँ पर पहाड़ी व्यंजन आपको खाने को मिलेगा, मच्छी भात, और देखिए पहाड़ी फल फ्रूट आप यहाँ से अगर लेने हो तो आप ले सकते हैं। तो
मशीनरी मार्केट कुछ ऐसा है। शायद इसका काम रुका हुआ है, अभी काफ़ी टाइम से सुनने को मिल रहा है कि बियर की फैक्ट्री है, पता नहीं बियर तो कब बनेगी यहाँ पे। और यहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत मिडवे रेस्टोरेंट आपको मिलेगा और खाना वगैरह भी ठीक है इनका। अब यहाँ तो गाइस आप यहाँ पर बहुत ही मीठा और ठंडा पानी आपका सेवन कर सकते हैं, यहाँ पर बारह मास पानी बहते रहता है। तो हम लोग पीएंगे अभी पानी। तो यहाँ पर हमेशा पानी बारह मास रहता है पानी, तो अक्सर लोग यहाँ पर पानी भर के ले जाते हैं। बहुत ही ठंडा और शुद्ध पानी है यहाँ पे का। तो गाइस जब मैं पहुँच चुका हूँ चलती में, और चलती का नज़ारा कुछ ऐसा है। और चलती में भी आपको खाने पीने के लिए छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे, और ये जो पहला वाला ढाबा है यहाँ पर सबसे बढ़िया खाना मिलेगा आपको अगर आप कभी खाते हैं तो। और यहाँ पर आप मच्छी राइस खा सकते हैं, और रोटी वगैरह भी तंदूरी बढ़िया मिलेंगे आपको। तो वह छोटा सा मार्केट है लेकिन चलती से बढ़िया आप सिंगियाड़ी में अच्छा मार्केट बनने लगा है, क्योंकि वहाँ पर नई नई दुकानें जो बन रही हैं और ढाबे वगैरह अच्छे खुल रहे हैं वहाँ पे। ये चौकी है आपकी, और इससे थोड़ा सा आगे पुलिस चौकी मिलेगी आपको, जहाँ पर कि अक्सर आपको आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा, मतलब खाली नहीं रोका जाएगा कभी कभी, पहाड़ स्लाइड वगैरह हो रहा होगा यहाँ तक। तो गाइस चलती का पुल ऐसा है, ये पुराना वाला, और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया है इसका। तो काफ़ी लंबे समय तक ये टिका हुआ है पुल है, और थोड़ा अभी इसकी जो हालत है थोड़ा खस्ती हो रही है, और उससे पहले शायद नया पुल तैयार होके बन जाना चाहिए। अभी तक तो वैसे बन जाता क्योंकि पिछली बार वो गिर चुका था, तो इस वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वैसे अभी काफ़ी अच्छा है पुल है, स्ट्रक्चर ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा इसमें रेस्टिंग सी हो रही है, तो जल्दी ही बन जाएगा, तो यहाँ के लिए बेहतर ऑप्शन एक मिल जाएगा हमें नए पुल का। तो दोस्तों चलती नदी का आज व्यू कुछ ऐसा है, और पानी काफ़ी ज़्यादा है आज, क्योंकि तीन चार दिन पहले बरसात थी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और पानी बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम पर। और ये रतिया नदी और लदिया नदी का पानी इसमें आता है, तो शायद यहाँ से ये लदिया नदी कहलाती है आगे ऊपर से, तो लदिया नदी पर ही बना हुआ है, आगे जाके ये शारदा नदी में मिलेगी ये। तो पुल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है पुल का, और ये देखिए इसके बीच में कहीं भी कोई कॉलम नहीं है, ये शायद आर्क ब्रिज जिसको बोला जाता है। तो जैसे कॉर्नरों में इसका पूरा लोड देखिए आप, डिज़ाइन देखिए इसका, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, और सामने पथरीली पूरी पहाड़ी ये। तो ये हर किसी ने, आप जो भी पिथौरागढ़ की ओर आए होंगे तो चंपावत पिथौरागढ़ तो आपने इसको देखा ही होगा, और तो आपकी यादें फिर से ताज़ी होने वाली हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अभी इसकी कुछ कटिंग वगैरह अभी शेष बची हुई है, थोड़ा सा और कटिंग करनी पड़ेगी, इतनी कटिंग की थी यहाँ पे, बहुत ही देखो कितना ये पूरी मशीन के द्वारा कटिंग की गई है, और अभी भी और थोड़ा सा इसकी शायद कटिंग करनी बाकी है, क्योंकि नया पुल बनने जा रहा है। पिछली बार आधा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, लेकिन बारिश में पिछली बार भी काफ़ी खतरनाक बारिश आई थी, तो उस टाइम पर ये सारा बह गया था, और पुराने पुल का भी मटेरियल कुछ तो वापस भेज दिया है, और कुछ यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो शायद मेरे हिसाब से अब नया पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार होगा ये। तो गाइस आपको ले चलता हूँ आगे को, और हम बढ़ते हैं आगे की ओर, चंपावत की ओर। बहुत ही ख़तरनाक हुई है यहाँ पर रोड, और स्लाइडिंग देखिए पूरी रोड ही निकल चुकी है, और सामने देखेंगे किस कदर पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग होती है,
काफ़ी रिस्की होता है पहाड़ों पे सफ़र करना इस टाइम पे। तो देखिए ये सौला में जो पुराना गांव था वो सौला का गांव है ये, जिसको कि भूतिया गांव के नाम से भी फेमस है, परंतु भूत है नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं कह सकते। तो ले चलते हैं, अभी आपको आगे बने रहेगा वीडियो में। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको काफ़ी झरनों से रूबरू करवा दिया है जो कि इन दिनों बरसात के मौसम में यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो करता हूँ समाप्त। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।